नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सहरावत और आज जानेंगे हम लेदर को कैसे प्रेस कर सकते हैं, वो सीक्रेट प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। पिछले कुछ साल में मैंने जितने लोगों से भी बात की, उन्होंने मुझे दो बात बताई। एक कि लेदर को प्रेस हम उल्टा करके करते हैं, दूसरा हम लेदर को पॉलिश करते हैं और क्लीनिंग के लिए हाइड्रोकार्बन, लेकिन हम लेदर को वॉश नहीं करते हैं, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक वीडियो आने वाली है कि हाउ टू क्लीन लेदर, लेदर को पानी में कैसे धो सकते हैं। और आप एक बात जान के हैरान होंगे कि यूरोप में और ईस्ट इंडिया में लेदर जैकेट्स को वॉश किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम प्रेस कैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सिंथेटिक लेदर आता है वो भी इससे प्रेस हो सकता है, और जो उसमें पेस्टिंग के बबल्स बनते थे डायरेक्ट प्रेस लगाने से, वो बहुत हद तक इसमें सेफ रहते हैं। तो अगर इसने उस लेदर को प्रेस नहीं किया, क्योंकि देखिए सिंथेटिक लेदर की वैरायटी बहुत अलग अलग तरह की है, लेकिन इसका सक्सेस रेट जितना मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम खत्म किया है उससे मुझे ये पता चला है कि 99% ये उस पर भी काम करता है और लेदर को सीधा करके हम इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं वो सीक्रेट प्रोडक्ट क्या है। ये है हमारे पास हीट ट्रांसफर शीट जो बहुत ही पतली है, लेकिन इसका गेज हमने बहुत सोच समझ के चूज किया। ये मोटी भी आती है और पतली भी आती है। इस शीट को हम लेदर के ऊपर रखते हैं और नॉर्मल हम प्रेस करते हैं। उसमें आप स्टीम देना चाहे तो आप स्टीम दे सकते हैं, आप स्टीम नहीं देना चाहे तो स्टीम मत दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.cleancraft.in। उसमें आप जब जाएंगे B2B के सेक्शन में तो वहां पे जाके आप ये प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं या रिसर्च करके आप खरीद सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर शीट फॉर लेदर। तो उसमें आपको ये चीज मेंशन होगी। इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूं कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए हमारी लैब में चलते हैं गाइस। डेमो के लिए मैंने दो जैकेट्स ली हैं, एक सिंथेटिक लेदर जो 100% सिंथेटिक है और एक जो है हमारे पास 100% ओरिजिनल लेदर है। तो पहले क्या होता था कि जब भी ड्राई क्लीनर्स प्रेस करते थे तो इसको उल्टा करके प्रेस करते थे, जो इसका उल्टा पार्ट है वो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस करते थे इसके इस पार्ट पे। तो जितनी प्रेस पीछे चली जाती थी, लेकिन अब हमें टेंशन नहीं है कि ये बबल मारेगी या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो है हम इसको सीधा करके हीट ट्रांसफर शीट को इसके ऊपर रख के और आराम से जो है इस पे प्रेस कर सकते हैं। मैंने इसमें स्टीम नहीं दी है और आप देख सकते हैं ये फ्रंट कैसा है। तो इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो एक डेमो में आपको अब उसका दिखाता हूं कि हमारे पास जो 100% लेदर जैकेट है, 100% लेदर जैकेट को भी प्रेस बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपको। बिल्कुल भी आपको जो है घबराना नहीं है, ये डैमेज नहीं करेगी। आप टेम्परेचर कितना भी हाई रखें, कितना भी लो रखें, आप टेफ्लॉन शूज यूज करें या टेफ्लॉन शूज ना करें, तो भी अगर आप स्टीम देना चाहते हैं आप स्टीम दे दीजिए, आप स्टीम नहीं देना चाहते स्टीम मत दीजिएगा। और सेम वे में आप जो है इसको कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर रहेगा। तो गाइस इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपकी लेदर जैकेट में क्रैक डेवलप हो चुके हैं और वो पुरानी लेदर जैकेट है तो वो क्रैक को रिपेयर करना पड़ता है, वो आपकी स्टीम प्रेस से या प्रेसिंग से नहीं जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम ड्राई क्लीनर्स भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज हिमांशु सहरावत साइनिंग ऑफ।